नमस्कार, आज का सिंपल समाचार स्पेशल है इसलिए क्योंकि आप मुझे बहुत कम देखेंगे आज, क्योंकि थोड़ी देर में हम आपको लोकसभा ले चलेंगे जहां पर शुरू होने वाला है डिबेट, बहस, जो आप जानते हैं रिजर्वेशन एक बड़ा मामला बनकर आया है, जो अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ था कल कि जनरल कैटेगरी में 10% कोटा बनेगा, जनरल यानी कि सभी लोगों के लिए, सिर्फ ओबीसी एससी एसटी छोड़ के जितने भी लोग हैं, चाहे वो अपर कास्ट हैं, फॉरवर्ड कास्ट हैं जिनको लोग सवर्ण कहते हैं, या क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम, बाकी रिलीजन, बाकी धर्मों के जो लोग हैं उनको 10% एक कोटा मिलेगा बाकी जनरल कैटेगरी में। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लगभग फिक्स कर दिया है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, और अगर हम एससी एसटी और ओबीसी रिजर्वेशन देखें तो बहुत जगह पे 50% पहुंच चुका है, बाकी 50% जो है जनरल कैटेगरी उसका 10%, यानी कि 5% अब रिजर्व होगा बाकी धर्मों के लिए, सवर्णों के लिए और सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, इन लोगों का मुसलमान, इन लोगों के लिए, लेकिन कुछ क्राइटेरियन है जो उनको पूरा करना पड़ेगा। थोड़ी देर में मेरे साथ रवीश होंगे। क्राइटेरियन क्या है? 4-5 है। एक तो है कि अगर आपका पारिवारिक आय यानी कि पारिवारिक रोजगार आपका 8 लाख रुपए से सालाना 8 लाख रुपए से ज्यादा हो तो आपको ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर आपके पास 5 एकड़ माने मतलब आप सोच सकते कि लगभग 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से नीचे जो किसान होते हैं उनको छोटे या सीमांत किसान माना जाता है, तो 2 हेक्टेयर यानी कि 5 एकड़ आकर जमीन आपके पास हो तो आप इस कोटे में शामिल नहीं हो सकते हैं। साथ में अगर आपके पास 100 गज जमीन किसी म्युनिसिपल एरिया में हो या 100 गज जमीन किसी नॉन म्युनिसिपल नगर निगम पालिका के बाहर जो होता है वहां पर हो 200 गज तो आपको नहीं मिलेगा। अगर 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा बड़ा आपके पास घर हो तो आपको नहीं मिलेगा। यानी कि सरकार एक तरीके से मान रही है कि 8 लाख से नीचे जो जिनकी आय है, पारिवारिक आय साल में, वो लोग पिछड़े हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गरीब नहीं है लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है। रवीश मेरे साथ है, पहला सवाल, मेरे पास 3 सवाल है रवीश सरकार के लिए। अभी आप सरकार में नहीं है इसलिए नहीं है, लेकिन इसलिए आपसे पूछ रहा, जब हमारी सरकार आएगी मैं और आप प्रधानमंत्री बनेंगे तब अलग बात है लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल जो रहता है वो है कि ओबीसी का क्रीमी लेयर है ना, अगर आप ओबीसी हैं तो आपका अगर पारिवारिक आय 8 लाख से ज्यादा हो 3 लगातार साल तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। अब आप अगर सवर्ण है तो 8 लाख से ज्यादा हो तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। इससे आप मतलब ओबीसी में भी 8 लाख से कम वाले को रिजर्वेशन मिलेगा, सवर्ण में भी 8 लाख से कम वाले को रिजर्वेशन मिलेगा, क्या ओबीसी और सवर्ण में कोई फर्क नहीं है इसका मतलब? ये फॉल्टी है, मतलब मेरी अपनी समझ से ये गलत पैमाना बनाया गया है। आर्थिक परिस्थितियां, स्थिति क्यों खराब होती है, देखना पड़ेगा कि किसके पास जमीन है या नहीं है, बहुत तरह के संसाधन का भी सवाल है। आरक्षण इसीलिए कहा गया कि आरक्षण देते समय आर्थिक आधार पर कोई पैमाना नहीं बनाया जा सकता, ये सामाजिक मान अपमान की जो प्रक्रिया रही है उसको हाशिए पे जो धकेलने की एक लंबी प्रक्रिया चली है सदियों से, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए किया गया है। क्या ये जो गरीब हैं वो मुख्य धारा से बाहर चले गए हैं, ये भी देखना पड़ेगा सामाजिक रूप से, तो सामाजिक रूप से वो मुख्य धारा के बाहर नहीं गए हैं, लेकिन राजनीतिक दलों में एक सहमति बन गई है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए, और इस एक सिद्धांत से किसी को विरोध नहीं है, बड़ा विरोध तो किसी का भी नहीं है। जब बसपा ने भी स्वागत किया है कि ये नौटंकी बताते हुए भी कहा है कि हम साथ हैं, कांग्रेस ने भी कहा है कि हम उस तरह से साथ हैं, लेकिन पैमाना हम क्या तय कर रहे हैं, 8 लाख रुपया का जो पैमाना है वो सही नहीं है। एक तो ये सवर्णों का वो इसलिए भी सही नहीं है कि आप देखिए कि मैं आने से पहले कादम्बिनी ने एक बात कही कि क्या ये पता चल सकता है कि जिनके पास 5 एकड़ जमीन है वो सालाना कितना कमाते हैं, तो मैंने एक बहुत जागरूक किसान को फोन किया तुरंत, तो उन्होंने बताया कि प्रति एकड़ वो चाहे कुछ भी कर ले, गन्ना बेच ले, चावल बेच ले या दाल बेच ले, गेहूं बेच ले,
वो 50,000 से ज्यादा नहीं कमा सकता है साल में एक एकड़ जमीन पे, तभी तो किसानों की जो आय है वो 2,000 प्रति महीने से भी कम है। आप अगर नाफेड का फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे देखें, नाफिस जो सर्वे 2017 का है, उसमें फैमिली इनकम किस रोजगार जो किसानी से आता है फैमिली इनकम 2,500 रुपए प्रति माह, तो यही बात है। तो अब दो, दो पांच एकड़ का पैमाना क्यों लगा है? दो हेक्टेयर मतलब पांच एकड़, लगभग तो पांच एकड़ का आपने क्यों पैमाना लगाया? क्योंकि वही पैमाने पे आपने स्मॉल छोटे किसान तो आप तो क्राइटेरिया पे तय करना पड़ेगा इसको, इसीलिए क्राइटेरिया पे डिबेट करने की जरूरत है। जो 6 एकड़ जिसके पास जमीन है और जिसके पास 10 एकड़ जमीन है वो किसान जनरल कैटेगरी का जो किसान है वो तो बाहर हो गया इससे, बिल्कुल, क्योंकि कहेंगे क्योंकि जो अगर 6 एकड़ का जमीन है वो भी 3 लाख से ज्यादा नहीं कमा रहा है, 3.5 लाख कमा रहा है, तो इसमें सरकार ये कहेगी कि देखिए कि 2 हेक्टेयर यानी कि 4.8 से भी कम, 5 अगर हम एकड़ देखें तो 2 हेक्टेयर के आसपास आता है, लगभग 79% किसान फैमिली उसके अंडर है हमारे देश में। लेकिन बड़ी बात जो आप कह रहे हैं कि अगर एग्रीकल्चर दीपक चौबे हमारे एडिटर कुछ कह रहे हैं, क्या लोकसभा में शुरू हो चुका दीपक? चलिए, थावरचंद गहलोत जी ने बिल पेश कर दिया है और वो इसके बारे में बोल रहे हैं। एक बार अपनी प्रतिवेदन में अनुशंसा की थी और ये कहा था कि ऐसा सामान्य वर्ग जो गरीब तबके का है उनको भी शैक्षणिक संस्थाओं में और रोजगार की दृष्टि से सेवाओं में 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाए। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिंह राव जी ने इस संबंध में 1992 में एक प्रावधान भी किया था, पर वो प्रावधान संविधान में संशोधन किए बिना, संविधान में इस प्रकार का प्रावधान करने का प्रावधान नहीं होने के बाद भी किया था, इस कारण से माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको निरस्त कर दिया था। उसके बाद एक सिन्नो कमीशन भी बना और सिन्नो कमीशन ने जो 2004 से बना था 2010 तक लगातार उसने काम किया और 2010 मई जून में तत्कालीन सरकार को एक प्रतिवेदन दिया और प्रतिवेदन में बहुत सारी सुविधाएं सामान्य वर्ग के ऐसे लोग जो वर्तमान में आरक्षित प्रणाली के दायरे में नहीं आते हैं उनको अनेक प्रकार की सुविधाएं देने का उस समय सुझाव दिया था, परंतु उन सुझावों पर भी अमल नहीं हुआ। मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके शासनकाल में उस प्रतिवेदन पर बहुत सारी सुविधाएं देने का निर्णय किया और आज हम सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को, ईबीसी वर्ग के लोगों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी देते हैं। अगर वो विदेश जाकर के पढ़ने का प्रयास करते हैं या यहाँ एजुकेशन लोन लेते हैं तो उसका ब्याज हमारे मंत्रालय की ओर से देते हैं और वो ऐसी श्रेणी के गरीब लोग हैं जो सामान्य वर्ग में आते हैं, वर्तमान में जो आरक्षण प्रणाली है उसके दायरे में नहीं आते ऐसे लोग हैं, उनको हमने ये सुविधाएं देने का प्रयास किया है, परंतु हमने ये महसूस किया कि इतना पर्याप्त नहीं है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आपका जब मौका आएगा तब आप बिल पे बोलो, कोई मना थोड़ी है, अभी नहीं बोलोगे? अभी नहीं, इंट्रोडक्शन हो चुका है उसका, उस समय नहीं थे तो क्या करें? यस बैठिए, अभी कुछ नहीं, बीच में नहीं। यस मिनिस्टर, मुझे ये कहते हुए खुशी है कि इतना सब करने के बाद भी हमको ये लगा ओनली मिनिस्टर ये नगण्य प्रयास है, ऐतिहासिक निर्णय लेने की जरूरत है, ऐतिहासिक प्रयास करने की जरूरत है। इन सामान्य वर्ग के गरीब तबके के लोगों को भी सामाजिक समता और सामाजिक समरसता की दृष्टि से मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जब बने थे तो उन्होंने कहा था
उनकी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, सबका साथ सबका विकास जो कहा था वो किया और आगे कारगर कदम उठाने की दृष्टि से ये संविधान संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, संविधान में जो आर्टिकल 15 है उसमें अभी 15-1, 15-2, 15-3, 15-4 और 15-5 तक है, वो जो प्रावधान है वो सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को सुविधाएं देने का प्रावधान नहीं दर्शाते हैं, इसलिए आर्टिकल 15 में एक सब क्लास 6 जोड़ा गया है और उस सब क्लास 6 में जो प्रावधान किए गए हैं वो इस प्रकार है, इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को क खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अर्थात राज्य सरकारों को और भारत सरकार को इस संबंध में कानून बनाने से नहीं रोका जा सकेगा। और इसके खंड ख में कहा गया है, खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहां निवारित नहीं करेगी। जहां तक ऐसे उपबंध ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं भी है, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली है या सहायता न पाने वाली है, प्रवेश से संबंधित है, जो आरक्षण की दिशा में विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम 10% के अध्यधीन होगा। अर्थात इन गरीब सामान्य वर्ग के लोगों को शैक्षणिक संस्थानों में इनके छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान इस संशोधन के बाद किया जाएगा। फिर आर्टिकल 16 में जो प्रावधान किए गए मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड 5 के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को खंड 4 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियां और पदों के विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम 10% के अध्यधीन आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अर्थात भारत सरकार की सेवाओं में और राज्य सरकार की सेवाओं में 10% आरक्षण देने का प्रावधान करने का अधिकार भारत सरकार को राज्य सरकारों को भी होगा। और इसका स्पष्टीकरण भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए, इस अनुच्छेद से आशय 15 का है और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग वे होंगे जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक अलाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय समय पर अधिसूचित की जाएगी। अर्थात गरीबी रेखा या गरीब तबका कौन होगा इसके लिए समय समय पर राज्य सरकारें जो दिशा निर्देश देती है उसके अनुपालन के अनुसार ये सब होगा। मैं स्पष्ट भी करना चाहता हूं कि वर्तमान में जो SC, ST और OBC को आरक्षण व्यवस्था है 49.5%, उसको छेड़े बिना, उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ किए बिना अतिरिक्त 10% आरक्षण का प्रावधान शिक्षण संस्थाओं में और सेवाओं में दिया जाएगा। और ये आरक्षण का प्रावधान ऐसे वर्गों के लिए है चाहे वो किसी भी धर्मावलंबी के हों, जो वर्तमान में SC, ST, OBC की आरक्षण व्यवस्था से बाहर हैं। अर्थात
आज की तारीख में वो अनारक्षित वर्ग में माने जाते हैं, ऐसे सब लोगों को मिलेगा। उसमें ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, बनिया भी है और अन्य अन्य प्रकार की ऐसी ऐसी जातियां हैं जो एससी एसटी ओबीसी में नहीं आती है। उसमें उस पटेल भी है, जाट भी है, गुजर भी है, आंजना भी है, सोंदिया भी है और मुस्लिम धर्मावलंबी भी है, ईसाई धर्मावलंबी भी है और जिस धर्म के लोग इस देश में रहते हैं और एससी एसटी ओबीसी की आरक्षण प्रणाली से बाहर है, वो सब लोग इस प्रावधान का लाभ ले सकेंगे। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, पहले इस प्रकार के जब प्रयास ये हुए तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन निर्णयों को निरस्त कर दिया। वो केवल इसलिए कर दिया था कि संविधान में प्रावधान नहीं होने के बाद भी इस प्रकार के प्रयास किए गए थे जो सफल नहीं हुए। हमने सोच समझ करके संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में इस प्रकार के प्रावधान करने का काम करने का निर्णय लिया है जो इस सदन के द्वारा पारित होगा। उसके बाद ये अधिनियम बनेगा और फिर ये प्रावधान लागू होंगे। उसके बाद अगर कोई न्यायालय में भी जाएगा तो मेरी अपनी मान्यता है कि न्यायालय जो वहां जाएगा इसके विरोध में, उनकी बात सुनने की बजाय उनकी बात को अस्वीकार करेगी और सरकार का निर्णय मान्य होगा और सारे देश में सामान्य वर्ग के गरीब तबके के लोगों को न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा तो सामाजिक समता और समरसता की दिशा में वो आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से सबको न्याय, सबका विकास, इस दिशा में सबका साथ, इस दिशा में हम आगे बढ़ने की स्थिति में होंगे और देश के परिदृश्य में सामाजिक समता और समरसता का वातावरण बनेगा, अमन चैन का वातावरण बनेगा। मैं बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। इसमें जो प्रावधान किया जा रहा है उसमें शब्द तो बहुत कम है पर उसका जो लाभ मिलने वाला है बहुत बड़े वर्ग को मिलने वाला है। इस सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो उसको सर्वानुमति से पारित करें। मेंबर्स, वन मिनट प्लीज। ये बिजनेस बीच में थोड़ी गलती से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, माननीय मिनिस्टर प्लीज प्लीज रुके। माननीय मंत्री जी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का रिपोर्ट रह गया था, आप उसको टेबल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य मंत्रालय समिति का 60वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है ठीक है, समय तो बाद में बढ़ाएंगे जो भी है वो। मेरे से रह गया ना, क्या हो गया, अभी क्या हो रहा है, मैं नहीं समझी कुछ। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का रिपोर्ट नहीं रखना था, रह गया अगर मेरे से। हो गया हो गया, अब चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं ना, वो रिप्लाई में जो भी बोलना रिप्लाई में बोलेंगे, बीच में नहीं कुछ। केवी थॉमस, आप भी बोलो ना विषय पे, अभी नहीं, अभी थॉमस जी बोले। No, you can have after only one clarification. I want to ask the minister, the 10% that he has kept, what will be the share of the Brahmins in there who feel let down? What is the percentage in this for the Brahmins? No, not like this, not like this. No clarification now. वो तो reply में जो कहेंगे। Yes, KV Thomas. क्या हो गया बीएससी का रिपोर्ट रखा है, केवल रखा ना कल के मीटिंग का, सदन में हम क्यों आते हैं, व्यवस्था का प्रश्न है। क्या बीएससी का रिपोर्ट क्या है इसमें, इसका प्रश्न नहीं है, तो मेरे मैंने अनुमति देना है, ये मैंने अनुमति देना है, वो मैंने दी है। प्लीज प्लीज प्लीज, उसका सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप एक काम कर सकते हो, प्लीज बैठिए,
आपको अभी समय तय करना हो तो मैं आपको पूछती हूँ, क्या दो घंटे में ये विषय कर देंगे या जब तक चले तब तक चला लो? आई हैव नो ऑब्जेक्शन। यस अमित जी। मैडम, मैडम, यस, इट वाज यस्टरडे द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फॉर द 10% क्वोटा for the poor on the basis of the kya ho gaya ghadi band ho gayi baat baat ke 10 kabhi band ho jaye theek hai theek karaiye nahi to utar hai are mere haath mein ghadi hai chinta mat karo wo ghadi band ho gayi to charcha karte raho utne hi baje samajh yes wo mat मेरा समय तो चल रहा है ना, चिंता मत करो मेरा समय। बोलिए बोलिए बोलिए। यस मैडम, यस यस चर्चा शुरू करिए प्लीज, आप शुरू करिए मैडम। ये क्या हो रहा है, छोटी छोटी बातों में मजाक, थोड़ी चाय पी के आना, ऐसा हो गया क्या? बोलिए आप बोलिए। यस्टरडे द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल विच प्रोवाइड्स 10% क्वोटा फॉर द पुअर ऑन द इकोनॉमिक बेसिस एंड टुडे दिस हाउस is discussing this bill within 48 hours. Madam, this is an important legislation which has lot of importance and lot of influence on our economic and social system. I think the government is very hasty, and any hasty decision, madam, will end in a mess. Now many of the national newspapers have clearly said, even some of the newspapers had their lead on this particular issue, that reservation for poor upper caste is likely to end up as a pre-poll jumla. This is from Times of India. Jumla, it is a jumla. So this should have been discussed in the what we understand in the business advisory committee. वो जुमला नहीं रहे इसलिए हम सब मिल के पास कर रहे हैं। मैडम, दिस बिकम ए तमाशा। सभी के इट्स एन इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन, इट शुड नॉट बिकम ए तमाशा, बिकॉज देर इज ऑलरेडी ए 50% रिजर्वेशन फॉर द एससी एसटी एंड द बैकवर्ड कम्युनिटी, एंड वी हैव सीन दैट in 1991 when P.V. Narasimha Rao government brought a reservation on the basis of economic criteria, then the Supreme Court intervened and it was curtailed. So there is a legal issue on this, and madam, this is a constitutional amendment. Today, in a hurry, and when many of the members are away, because this is the last day of this middle session, this is brought in a hurry. Okay, government can pass it, they have got the majority, but there won't be any fruitful discussion.